फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम दुकान के अंदर और अभी हमारे साथ हैं भैया। ये भैया अभी हमारा साथ देने वाले हैं और बताएंगे क्या क्या यहाँ पर कंटेंट रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो क्या नाम है भैया आपका? सर माधव कुमार, मेरा नाम है। मेरा यहाँ नगर में बुक स्टॉल। अच्छा, तो ये थोड़ा बताओ अपनी स्टॉल के बारे में, कहाँ पर है? मेरा मुखर्जी नगर में मैन रोड में आने वाला मेट सूट है, उसके बीच में मेरा आकाश एंड डीके के नाम से मैं बुक स्टॉल है। चलो ये आपने बता दिया। अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। अभी यूपीएससी और यूपीपीसीएस का प्रिलिम्स आ रहा है, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास है? सर हमारे पास जैसे यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, इन सब का स्टडी मटेरियल हो, चाहे अभी से प्रिलिम्स आने वाले हैं इसका कुछ टेस्टरीज हो गया या कुछ रिविजन मटेरियल हो गया, जैसे विजन 365 हो गया, जो किस आपका रिक्वायरमेंट हो उसके अगर जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो मंगवा सकते हैं। अच्छा, तो कुछ दिखाइए, थोड़ा सैंपल पेपर दिखाइए। सर देखिए विजन का 365 है, ये आपको पूरे मिल जाएगा। जैसे इसका कितना सेट आ रहा है इस समय? अभी सर टोटल 7 सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक, सोशल इशूज और इकोलॉजी इन्वायरमेंट का। बाकी एक इसका गवर्नमेंट स्कीम का आता है, वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है सर, जैसे विजन के हिंदी मीडियम में हो गया, इसके अलावा अगर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों हमारे पास अवेलेबल होता है, ये इंग्लिश में था, इंग्लिश में या हिंदी में होता है सर। ठीक है, ऐसी सेम चीज़ ये उड़ान जो PW जो उड़ान सीरीज है, इसके दो आता है, एक तो स्टैटिक पोर्शन का आता है, एक तो रिविजन के लिए जो होता है, एक करंट अफेयर्स के लिए आती है। ये करंट अफेयर्स के लिए आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर्स वाले हैं। जो विजन 365 होता है सेम उसी अकॉर्डिंग ये भी देते हैं सर। ठीक है, तो इसका ये हो गया, ये उड़ान का क्विक रिवीजन मटेरियल है। इससे बच्चे होता है क्या, जो मतलब कम समय में बहुत शॉर्ट में नोट रिवीजन करना चाहते हैं उसके लिए रिवीजन नोट हो जाएगा। कह सकते हैं अगर आप 365 और उड़ान को एक साथ पढ़ते हैं और उसके बाद टेस्ट भी देते हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है, टॉपर का भी मानना होता है। हाँ, यही चीज़ है। और इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में साइंस एंड टेक था और ये हिंदी मीडियम में है इकोलॉजी इन्वायरमेंट के। अदर और कोई सब्जेक्ट का चीज़ पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हुआ, सर 9 सेट में इसका आ रखा है। 9 सेट इसका जी, इसका जैसे 9 सब्जेक्ट में जैसे एशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी का, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का आ जाएगा, साइंस एंड टेक, और ये सारे सब्जेक्ट मिला के आपको आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सेम चीज सर, कोई कोचिंग वाले जैसे इसमें ये एग्रीकल्चर का है, जैसे करंट में एग्रीकल्चर भी आता है अलग से, जैसे बहुत कम कोचिंग वाले सिर्फ देता है, जो इनसाइड IAS है ये एग्रीकल्चर के भी देते हैं, जो 365 विजन कम दिए थे ना उसी अकॉर्डिंग ये भी है। तो बच्चे का अलग से एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो भी थिंग्स ये उसमें वगैरह होती है वो इसमें एक तो ये एक जगह एग्रीकल्चर के मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स ये विजन का इनसाइड का 365 है और सेम इसी अकॉर्डिंग आपको इनसाइड की ये ज्योग्राफी की 365 है, तो ये सब आप परचेज कर सकते हैं सर। काफ़ी पतले है और काफ़ी ग्राफिक्स डिजाइनिंग काफ़ी अच्छी है, आप एकदम पेपर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्रिंट तो आप ले सकते हैं अगर आपको नहीं। सर कुछ टेस्ट सीरीज भी आप मंगवाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास सब सारी कोचिंग का टेस्ट अवेलेबल होता है, तो सबसे बेस्ट में जो टेस्ट सीरीज चलता है विजन IAS का भी लेटेस्ट 32 टेस्ट आ चुका है। इसका टोटल सर 35 टेस्ट होता है GS वाले 2024 के लिए। क्या इंग्लिश में मिलेगी? सर दोनों मीडियम मिल जाएगा, चाहे इंग्लिश में परचेज करना चाहते हैं बच्चे वो भी मिल जाएगा, चाहे हिंदी मंगाना चाहते हैं हिंदी भी मिल जाएगा। हो चुके हैं? हाँ जी, तो ये GS का 35 टेस्ट होना है, इसमें भी 32 हमारे पास आ चुके हैं। अगर CSAT के भी मंगाना चाहते हैं उसका अलग से 20 टेस्ट बीच में कराना करवाते हैं, उसका सर हमारे पास 18 टेस्ट आ चुका है, 18 टेस्ट वो भी मिल जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी सर 19 टेस्ट आ चुका है, दोनों चीज़ मिल जाएगा, ये सेम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी सर। ठीक है, और इस बार जैसे इकोनॉमिक सर्वे नहीं हुआ है, जैसे गवर्नमेंट स्पीच दिया हुआ है, तो स्पीच आपको इसका मिल जाएगा सेम इसी का बजट। जो इंडियन इकोनॉमी रिव्यू उसके अंदर पूरा आपको दिया हुआ है, जो भी थीम है, बजट पास जो भी है वो सारी चीज़ के अंदर। हाँ, तो ये इसके बजट भी जो आते हैं बजट का भी मिल जाएगा, जो स्पीच बिल्कुल शॉर्ट में जो नोट्स होती है। और इसके अलावा ये फॉरम IAS का टेस्ट सीरीज है, इसमें जैसे फॉरम IAS में सर जैसे लेवल के हिसाब से होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस बार सिमुलेटर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका टोटल मिल जाएगा हमारे पास। इसका कितना अभी तक हो चुका है? 2 हो चुका है सर, इसका अभी तक 2 टेस्ट हो चुका है सिमुलेटर। जो सब्जेक्ट वाइज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का जो था वो कम्प्लीट हो गया, अब जो फुल लेंथ जो होता है सिमुलेटर ये हो रहा है। तो इसका हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा केवल? जी सर दोनों मीडियम में अवेलेबल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाए। सर ये बाजीराम का टेस्ट सीरीज है हमारे पास, बाजीराम का भी टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसका सिर्फ सर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आता है, हिंदी मीडियम में नहीं आता है, तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम मिलेगा बाजीराम इंग्लिश मीडियम। बहुत सारे बच्चे ढूंढने के लिए आते हैं इंग्लिश मीडियम, बाजीराम का अच्छा टेस्ट सीरीज होता है, तो इसका आता नहीं है,
आपको हिंदी मीडियम में मिल पाएगा। okay. इसके अलावा और सर बहुत सारे कोचिंग है उस सब का मिल जाएगा। ये जैसे सर हमारे पास नेक्स्ट आयर्स का भी नेक्स्ट आयर्स का इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्ट अवेलेबल मिल जाएगा। ये दोनों हमारे पास है। ये रॉस आयर्स का टी सी रॉस आयर्स का आपके पास हमारे पास अवेलेबल है, तो भी मिल जाएगा। तो ये इंग्लिश में सिर्फ सिर्फ इंग्लिश में आता है, हिंदी मीडियम में नहीं आती है, तो इंग्लिश इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। अब चलो ये फिल्म्स के लिए हुआ, अब जो लोग फिल्म्स के बाद मैच की प्रिपरेशन करना है उनके लिए क्या है चीज़? सर मेंस के लिए जैसे हमारे पास अभी जैसे जीएस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ऐसा है मिस्टर टॉपर्स रहा है, हम लोग भी वीडियो देखते हैं, यहाँ रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल आते हैं जो किसी एक कोचिंग का बेस्ट नहीं होता है। जैसे पेपर फर्स्ट में आपको आर्ट एंड कल्चर हो गया, अगर इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे हैं तो ज़्यादातर पेपर विजन आयर्स का करते हैं, जो हिंदी मीडियम वाला है तो वो भी उसी को फॉलो करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के अलावा जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, तो कुछ थोड़ा थोड़ा कंटेंट दिखा दीजिएगा। हाँ हमारे पास ये देख लीजिए, जैसे कुछ कंटेंट ये मेंस के लिए जो पूरा स्टडी करना चाहते हैं पूरा एकदम बेसिक से जो होता है पूरा फुल मटेरियल है, ये बिगिनर्स का लेवल है। इसके अलावा और किसी कोचिंग के बच्चे को जैसे मांगते हैं तो अलग अलग कोचिंग, हाँ अलग अलग कोचिंग के वो आपको मिल जाएगा। जैसे इनसाइड का भी कुछ चीज अवेलेबल हो गया हमारे पास। मतलब ये है कि अगर आप कोई भी किसी भी कोचिंग का रिसोर्स या मटेरियल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भेज दिया अवेलेबल मिल जाएगा, आप केवल कॉल कर दीजिएगा और कॉन्टेक्ट कर दीजिए, अब सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। दोनों एक बार आ रही है यूपीएससी को लेकर जो 5-6 का पेपर है, उसके लिए क्या रिसोर्सेज आपके पास? सर हमारे पास सारे कोचिंग का रिसोर्सेज है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ 5 और 6 का। ये देख लीजिए अभी ये आपको PW वाले का हम दिखा देते हैं, ये PW वाले के हैं। तो इसके अलावा और जैसे दृष्टि हो गया, ध्येय हो गया, GS वर्ल्ड हो गया, BCS मंत्रा हो गया, इन सारे कोचिंग का चाहिए तो इन सब का अवेलेबल मिल जाएगा। ये PW का आप देख रहे होंगे 5-6 पेपर आपको यहाँ मिलने वाले हैं जी, और PW का हो या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर का हो आपको यहाँ इजिली मिल जाएगा इजिली। इसके अलावा ये हो गया, इसके बाद देखिए टेस्ट वर्ल्ड करके है, इनका भी मिल जाएगा। तो पेपर 5 और 6 अगर इसके GS के चारों पेपर का भी चाहिए तो सबके GS के चारों पेपर भी अवेलेबल मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर मैं टेस्ट वर्ल्ड की बात करूं तो टेस्ट वर्ल्ड अगर आपने मेरी वीडियो टॉपर्स वीडियो देखी होंगी तो उन्होंने कुछ टॉपर ने उसका जिक्र भी किया है कि टेस्ट वर्ल्ड के बारे में उन्होंने वहाँ से पढ़ा, काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट उनको बेनिफिट मिला। तो अगर आपने वीडियो देख लो टॉपर की, नहीं देख लो तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है। सर इसके अलावा UPSC के बहुत सारे बच्चे जैसे टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक समझ में नहीं आते, कौन सा टॉपिक मेंस में आता है कौन क्लियंस में आता है, उसके लिए सिलेबस GS स्कोर के बहुत अच्छा है टॉपिक वाइज और प्री मेंस के, तो ये सबसे बेस्ट है। ये भी देखना चाहेंगे बच्चे तो देख सकते हैं। ये बीजन के करंट अफेयर्स हुआ, करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास ये मंथली आती है फिर ये सर मंथली वाले हैं जो पर मंथ अपना पब्लिश करता है बीजन लाइफ उसका। इसके अलावा और किसी कोचिंग का चाहिए तो सारे के मिल जाएगा, ऑनलाइन का वाजीराम का इंग्लिश जो भी मीडियम में चाहिए सारा अवेलेबल। केवल आपको अभी थोड़ा थोड़ा डेमो दिखा रहे हैं, अगर बाकी पूरा मटेरियल चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे, पूरी डिटेल आपको दे देंगे। थोड़ा थोड़ा ये पॉसिबल नहीं है ना सारा कुछ दिखाना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको दिखा। जैसे NCERT बुक वगैरह बच्चे पढ़ लेते हैं उसका कुछ रिवीजन के लिए मांगते हैं, ये रिवीजन के तौर पे कुछ मटेरियल हमको चाहिए, तो उसके लिए बहुत शॉर्ट में नोट्स जैसे आप देख सकते हैं साइंस का 6-12 NCERT है, तो ये आपको ओल्ड प्लस न्यू NCERT दोनों का अवेलेबल दिया हुआ है। तो ये हिंदी में मिलने वाली है इंग्लिश? सर दोनों मीडियम मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो दोनों आपको मिल जाएगा। इसके बाद अभी जो हिंदी साहित्य बहुत सारे बच्चे ऑप्शन के रखे हैं उसके लिए क्वेश्चन आंसर के लिए ये दृष्टि वाले का बुक ले 500+ करके दिया, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो बच्चे घर बैठे आंसर राइटिंग करना चाहते हैं टॉपिक लेना चाहते हैं GS आपको मेंस में जो दो पेपर होता है ये दोनों कंप्लीट होता है ऑप्शनल का। सर अभी जैसे परवान आयस करके ये स्टैटिक GK का है, ये ज्योग्राफी का है, सर ये देख लीजिए आपको पूरे कंप्लीट मिल जाएगा, अभी बहुत अच्छा है CGL के लिए, इसका बहुत रिव्यू बहुत अच्छा चल रहा है। इस वजह से स्टैटिक GK हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सारे सब्जेक्ट का अवेलेबल होता है, सारे मिल जाएगी आपको। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं UPSC का जो ऑफिशियल यूनिवर्सल पेपर ढूंढना चाहते हैं वो भी आंसर की के साथ मिल जाएगा, ये क्वेश्चंस हो गया ये आंसर की हो गया। इसके अलावा इसमें अगर किसी कोचिंग का या कोई भी पब्लिकेशन का सोल्यूशन के साथ ईयर वाइज मांगना चाहते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल होता है, तो ये भी चीज़ आपको मिल जाएगी। ये हमारे पास सर दृष्टि आज की क्लास नोट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास GS प्री प्लस मेंस के जो GS के चार पेपर होता है चारों पेपर हमारे पास अवेलेबल होता है, ये चारों पेपर चाहे दृष्टि को हो, संस्कृति का हो, ध्येय का हो, GS वर्ल्ड का हो, UPSC के लिए, UPPCS के लिए सारा चीज़ अवेलेबल होता है, ये सारे मिल जाएगा। ये शून्य इसका स्टडी मटेरियल अभी प्रीलिम्स के पर्पज से आया हुआ है, जैसे रिवीजन के लिए सारा मटेरियल ये सारा आपको इसमें हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ये MCQ टाइप में, तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छे होता है ये मिल जाएगा। ये
पीडब्ल्यू वाले का स्टडी मटेरियल है जैसे संपूर्ण, इसमें सर बहुत सारा प्रकार का मटेरियल आता है, जैसे प्रीलिम्स के लिए उड़ान बताए थे 500 प्लस, मेंस के लिए और प्री के लिए दोनों कंप्लीट संपूर्ण मटेरियल दिया हुआ है। इसमें जैसे एक होता है उड़ान सीरीज होता है, एक प्रहार होता है, प्रहार तो सिर्फ मेंस के लिए आती है और जो उड़ान है वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आता है। ये हाँ। दोनों का कंप्लीट मटेरियल दिया हुआ है, सकते तैयारी की शुरुआत में है, शुरुआती दौर में चल रहे हैं तो इसको ले सकते हैं, सारा कुछ आपका इसे कंप्लीट हो सकता है। ये अभी प्रीलिम्स के पर्पस से ये क्विक रिवीजन मटेरियल विजन आईएएस का आ रखा है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। विजन का एक हो गया 365, एक है क्विक रिवीजन, ये दोनों चीज को लॉन्च करता है क्योंकि ये क्विक रिवीजन है और जो आपको 365 आपको दिखा दी। हाँ राइट ओके सर, ये सर अरोरा आईएएस का ये आपको माइंड मैप है, इसमें आपको सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे माइंड मैप चार्ट में जैसे पॉलिटी का जैसे माइंड मैप चार्ट में जो चार्ट बाय चार्ट दिया होता है वो डायग्राम के हिसाब से ये आप देख सकते हैं। हाँ ये अच्छा खासा बनाया है, मतलब कह सकते हैं तो इसलिए इसको आप समझ सकते हैं अगर आपने पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी थी। हाँ ये बहुत रिविजन भी बहुत अच्छा है। अभी ये आपको ये विवेक सिंह का इकोनॉमिक्स है क्वेश्चन आंसर टाइप में, ये आप देख सकते हैं, अच्छे रिव्यू में है और अच्छा मार्केटिंग इसका है और बच्चे इकोनॉमिक्स के लिए बहुत परचेज कर रहे हैं, आप मंगवा सकते हैं। और हमारे पास श्रीराम आईएएस का इकोनॉमिक्स की भी है, अगर मेंस के लिए कुछ मटेरियल बहुत अच्छा है उनका भी मिल जाएगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट का शंकर आईएएस का मटेरियल है, ये भी आपको मिल जाएगा। हाँ इन्वायरमेंट का, और ये मुरनाल सर का इकोनॉमिक्स है, टी सी भी टाइम खत्म हो गया, अभी रफ्तार भाई चल रहा है, वो भी अगर चाहिए तो वो सारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर आपको सब कुछ मिल सकता है, आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी ये थोड़ा सा दिखाया क्योंकि इतना सारा पॉसिबल नहीं था बताना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती थी। अगर जो भी आपकी क्वेरी है, चाहे आप एसएससी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो या वनडे एग्जाम किसी भी कर रहे हैं, तो आपको इजीली यहाँ पर सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। जैसे सर हमारे पास सारा चीज़ का मतलब यूपीएससी के जैसे मिल जाता है, एसएससी के मिल जाएगा, बैंकिंग रिलेवे नेट गेट, और जैसे जुडिशरी के लिए चाहिए बच्चे को तो जुडिशरी के लिए हमारे पास, हाँ उनका भी कुछ मटेरियल लिखना चाहेंगे तो दिखा देते हैं हम आपको। ओके दिखा देते हैं, देख लीजिए आप, जैसे ये हिंदी मीडियम में हमारे पास सब लेवल है जुडिशरी के लिए, ऐसे आपको सेम इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। और अदर कुछ ये राहुल आईएएस का है मटेरियल पूरा कंप्लीट नोट्स है, इसके अलावा हमारे पास एम्बिशन का हो गया, मानसरोवर का हो गया, पीएलए का हो गया, सबका अवेलेबल है मटेरियल। ओके इनका भी मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिल जाएगा। तो ठीक है, आप जो परचेज करना चाहते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन नंबर मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू भाई, अच्छा लगा बात करके।